लंकापति रावण के राज्य में एक ऐसी राक्षसी थी जिसने माता सीता को अपनी पुत्री के जैसा माना था। अशोक वाटिका में वे हर पल माता सीता के साथ रही थी। जब भी माता सीता की हिम्मत टूटने लगती थी तब वही माता सीता की हिम्मत को बनाए रखनी थी। लंका में होने वाली हर चीज की खबर उन्होंने माता सीता को दी। उनका नाम था त्रिजटा, जिन्होंने माता सीता की उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन क्या त्रिजटा के पूर्व जन्म के बारे में कुछ बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी तो वहीं पर माता लक्ष्मी की एक सेविका भी थी जिनका नाम था माता रतन ज्योति, और वे माता लक्ष्मी की सेवा में लीन थी। और तभी वहाँ पर ऋषि अंगिरा आ जाते हैं, और क्योंकि रतन ज्योति माता लक्ष्मी की सेवा में व्यस्त थी इसलिए उनका ध्यान ऋषि की तरफ नहीं गया। इस गलती को ऋषि अंगिरा ने अपना अपमान समझा और तुरंत रतन ज्योति को श्राप दे दिया और कहा कि अब तुम राक्षसी कुल में जन्म लोगे। और श्राप के अनुसार माता रतन ज्योति ने ही त्रिजटा के रूप में जन्म लिया था, और रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने उन्हें इस जन्म से और श्राप से दोनों से मुक्ति दे दी थी।